कमल ककड़ी एक बहुत ही लोकप्रिय डेलिकेसी है सिंधी खाने में। आज हम देखेंगे कैसे बनाते हैं कमल ककड़ी आलू के साथ, जिसे कहते हैं बे पटाटा। लोटस स्टेम या कमल ककड़ी को पकाते हैं आलू, प्याज और टमाटर के साथ और मिलाते हैं मसालों के साथ बनाने के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश। आइए देखते हैं क्या सामग्रियां चाहिए बनाने के लिए ये अनोखी डिश। सबसे पहले मेरे पास है 1 कप भर के कमल ककड़ी या लोटस स्टेम। मैंने इसे धोया है बहुत ही अच्छे तरीके से, निकालने के लिए कचरा या रेती और काटा है डायगनली। अब मेरे पास है 1 कप आलू जिसको छिलका निकालकर बड़े टुकड़ों में काटा है। मेरे पास है 1/2 कप प्याज जिसको बारीक काटा हुआ है। अब टमाटर 1 कप जिसको बारीक काटा है। अब सूखे मसालों में हमें चाहिए दोनों की 1-1 चम्मच धनिया पाउडर और जीरा पाउडर की, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, दोनों की 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट की और अंत में हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। हम शुरू करेंगे डालने से थोड़ा सा पानी प्रेशर कुकर में, डालेंगे थोड़ा नमक और हम ऐड करेंगे कमल ककड़ी और हम मिला लेंगे इसे और हम इसे पकाएंगे 1 सीटी बजने तक। अब जब तक ये कमल ककड़ी पक रही है तब तक हम तैयार कर लेंगे बाकी की डिश जो के बनाना है ग्रेवी। तो हम गरम करेंगे कढ़ाई, ऐड करेंगे थोड़ा तेल अब इसमें ऐड करूंगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। पकाएंगे जब तक आ जाए जायका लहसुन से और अब इसमें ऐड करूंगी प्याज। अब इसे पकाएंगे हम 3 से 4 मिनटों के लिए जब तक कि प्याज हो जाए पारदर्शक और हो जाए हल्के गोल्डन ब्राउन। अब हम डालेंगे मसाले, सबसे पहले हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आपका फेवरेट गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, मिला लेंगे सब कुछ और अब डालूंगी टमाटर। मुझे पसंद है डालना थोड़ा सा हरा धनिया इस पॉइंट पे, जिससे आती अच्छी फ्लेवर डिश में। इसे हम पकाएंगे 3 से 5 मिनटों के लिए जब तक ये टमाटर हो जाए मशी। जैसे कि देख रहे हैं आप टमाटर हो गए हैं पल्पी। अब इस पॉइंट पे मैं ऐड करूंगी आलू, मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब हम इसे पार बॉईल करेंगे जब तक ये पक जाए 60 से 70% तक और फिर हम इसमें डालेंगे उबली हुई कमल ककड़ी। तो मिला लेंगे सब कुछ और इसे पकने देंगे। अभी आलू आधे से ज्यादा पक चुके हैं, इस पॉइंट पे मैं ऐड करूंगी ये कमल ककड़ी या लोटस स्टेम। आपको याद है मैंने इसे प्रेशर कुक करके इसे निकाल लिया है और पानी छानकर अब मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम सारे स्वाद को घुलने देंगे एक साथ और पकाएंगे और 5 मिनट के लिए जब तक के आलू पक के नरम हो जाए अच्छे से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये तैयार है। मैं इसे निकाल लूंगी सर्विंग बोल में। आप इसे सर्व कर सकते हैं चावल, बुग्गा चावल जो कि है पारंपरिक सिंधी फेवरेट, या इसे सर्व कर सकते हैं फुलका के साथ, ये आप पे निर्भर है। ये डिश इतनी स्वादिष्ट है कि आपको इसे ज्यादा बनाने का मन करेगा, ये आपके परिवार का फेवरेट बन जाएगा जल्दी ही। तो रखिए सब कुछ अच्छे से। सजाएंगे हरे धनिए के साथ। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं थोड़ा आमचूर पाउडर ऊपर से, देने के लिए एक टेस्टी किक एक्स्ट्रा खट्टेपन की।